आज हरियाणा के फतेहाबाद में विपक्षी दलों ने एक बड़ी रैली की, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत देश की कई बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों और नेताओं को निमंत्रण दिया गया था। रैली का आयोजन इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला के निमंत्रण पर कई दिग्गज पहुंचे, कुछ नहीं भी पहुंचे, लेकिन इसके जरिए हरियाणा की जमीन पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ खुले मोर्चे पर कुछ नए साथियों के एक साथ मंच पर होने का भी ऐलान हो गया। इनमें बीजेपी के सहयोगी रहे सुखबीर बादल मौजूद थे, वहीं मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके वीरेंद्र सिंह भी नजर आए हैं। खास बात यह रही कि हरियाणा से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में नीतीश कुमार ने लालू के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। हरियाणा में रैली का हाल आपको बताएं, उससे पहले दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश और लालू ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पॉन्स पूरे देश में है और हम एक हैं हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही हैं ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। अब हरियाणा में जुटी विपक्ष की महारैली की बात करते हैं। महारैली में आज क्या कुछ हुआ, कौन कौन आया, इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं। ये साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की लामबंदी की सबसे नई तस्वीर है। कहने को ये हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल की महारैली थी, लेकिन इसमें बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहे दस्ते की ब्रिगेड के तमाम सिपहसालार जुटे थे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय पूर्व मंत्री त्रिपुरा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल बादल के सुखबीर सिंह बादल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सीताराम येचुरी और आईएनएलडी से ओम प्रकाश चौटाला शामिल थे। आप इसे मोदी सरकार के खिलाफ तीसरे मोर्चे का ट्रेलर मान सकते हैं, क्योंकि मंच पर आए हर सियासी धुरंधर के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और बीजेपी थी। सियासत की प्रत्यंचा पर हरियाणा की धरती से भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को हराने की फिर से हुंकार भरी। इस दरमियान बिना नाम लिए नीतीश कुमार ने हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पर भी निशाना साधा। मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। राजनीति के बरगद माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी विपक्षी एकता के इस गठजोड़ को देश के विकास से जोड़ दिया। उन्होंने कहा 2024 का चुनाव सभी के लिए एक बड़ा अवसर है। इस महारैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू समेत तमाम दिग्गजों को न्योता भेजा गया था। हालांकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू और कनिमोझी रैली में नहीं पहुंचे थे। सवाल ये भी है कि ये सब आ नहीं पाए या फिर जानबूझकर नहीं पहुंचे, क्योंकि विपक्षी एकजुटता तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये भी है कि इस एकजुटता का नेता कौन होगा। इस पर असमंजस के बादल कब तक कायम रहेंगे फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की जमीन पर विपक्ष की एकता में नए प्राण फूंकने की कोशिश जरूर की गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है कि इस एकता से 2024 की सियासी जमीन को हरा भरा करने में कितनी मदद मिलेगी। ईरान की तर्ज पर कनाडा में भी लोगों ने किया हिजाब विरोधी प्रदर्शन, ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।